हमने सुबह तुम्हें इक्वेशन पढ़ाई थी सॉल्व करनी, तो इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ पॉइंट है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। भाई आपको सुबह पढ़ाया था मैंने कि आव्यूह की सहायता से यानी आव्यूह के प्रयोग से दी गई रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। तो बेटा वहाँ कुछ इस अंदाज में बनी थी इक्वेशन AX बराबर B, अगर तुम्हारे याद हो तो। बेटा उसकी कुछ स्थिति है। स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये एक व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो व्युत्क्रम का अस्तित्व अगर है तो तब मोड ऑफ ए बराबर क्या होगा, जीरो। तब मोड ऑफ ए बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व था मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो हो जाएगा फिर तो इनवर्स आएगा ही नहीं। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तथा यह दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है। और बेटा समीकरण निकाय का कैसा हल प्रदान करेगा, अद्वितीय। अद्वितीय यानी यूनिक, यानी x की वैल्यू भी एक ही आएगी, y की भी एक ही और z की भी एक ही। एक का मतलब 1 1 1 नहीं है, एक से मेरा मतलब अगर एक की 4 आई, एक की 5, एक की 6, तो 4 5 6 ही है। ऐसा नहीं कि 4 के अलावा कुछ और भी आ गया x की वैल्यू। तो बेटा स्थिति फर्स्ट आपकी समझ में आ गई होगी कि a अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यह दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है तथा निकाय संगत, तथा निकाय क्या कहलाता है, संगत। इस चीज पर जोर दिया गया बेटा, संगत और असंगत। तो आप स्थिति नंबर दो, स्थिति नंबर दो में भी कुछ इसी प्रकार से है, यदि ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम ना निकल सके, तो अगर व्युत्क्रमणीय है तब मोड ऑफ ए बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो मोड ऑफ ए जीरो होगा तो इस स्थिति में हम वहीं का वहीं डिसीजन नहीं लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी को ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए और बी जब ज्ञात करते हैं तो इसकी दो स्थिति है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब कोई हल नहीं होगा, तब कोई हल नहीं होगा। बेटा अगर तब कोई हल नहीं होगा तथा निकाय असंगत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। उसके बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए सेकेंड स्थिति डॉट बी बराबर जीरो आ गया तो ऐसी स्थिति में तब निकाय संगत या असंगत कहलाता है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो बेटा इतनी बड़ी बात अगर पूछेगा तो आप इसको बताएंगे, वैसे आप इसको याद जरूर रखें, नहीं तो ये छोटी बात पूछेगा, संगत और असंगत पूछेगा। तो संगत और संगत का आसान तरीका क्या है बेटा, कि आप मोड ऑफ ए इक्वल टू देख लेंगे, अगर मोड ऑफ ए आपका आ गया डज नॉट इक्वल टू जीरो तो समीकरण निकाय संगत, और अगर आ गया आपका मोड ऑफ ए जीरो तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत। इसी से अंदाजा लगा लेंगे। और देखो मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको। 4.6 का पहला क्वेश्चन दिया है 2x2। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, सुबह भी मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहला काम हम करते थे कि दी गई समीकरण को आव्यूह में लिखने पर। तो बेटा आव्यूह में जब हमने लिखा इसको तो आ गया 1 2 2 3, यानी पहला जो आव्यूह आता था उसमें केवल कोफिशेंट, और दूसरे में आ जाते थे हमारे एक्स वाई जेड होता तो जेड भी, और तीसरे में जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या था बेटा हमारा 2 3। समझ में आ गई होगी बात। इसको आप ए मानते थे, इसको एक्स मानते थे, इसको बी मानते थे, और उसी के आधार पर एक्स बराबर क्या हो जाया करता था, ए इनवर्स बी। और बेटा ए इनवर्स तुम अच्छी तरह निकालना सीख गए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और बी की मल्टीप्लाई और एक्स आ जाया करता था। अब यहाँ हम चेक करेंगे ए को, इसको ए का डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे बेटा। ए के डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 3, तो 3 -4 -1, और जो क्या है जीरो नहीं है। तो बेटा अगर जीरो नहीं है तो कैसा होगा, व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी होगा तो अद्वितीय हल होंगे, तो यानी सीधा सीधा क्या होगा, ये संगत, कंसिस्टेंट। केवल इतना ही पूछा, अगर एक्स वाई का मान पूछे तो इससे आगे करो, लेकिन जब एक्स वाई का मान नहीं पूछा तो क्यों कर रहे तुम इससे आगे। तो बेटा ध्यान रहे, क्वेश्चनों को पहले पढ़ो कि पूछ रहा क्या तुम्हारे से, और कैलकुलेशन मन बनाओ ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करनी है। ये ना सोचो कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तुम भी ना, तुम्हें तो बेटा करनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हारे लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इक्वेशन दी है, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, इसको आव्यूह में बदलने पर। तो हमने इसको आव्यूह में बदला, तो आव्यूह में बदलने के लिए क्या करते थे हम, यहाँ 2 3 3
233 के बाद हमने लिखा यहाँ पर 1 माइनस 2 और 1 बेटा 233 लिख दिया 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 और माइनस 2 क्लियर होगी बात। उसके बाद यहाँ क्या लिखते थे आप एक्स वाई जेड और यहाँ क्या लिखते थे आप 5 माइनस 4 और 3 याद आ रहा कुछ कुछ। इसको बेटा आप ए से मानते थे इसको एक्स से और इसको बी से तो एक्स बराबर कितना आ जाता था यहाँ ए इनवर्स बी इक्वेशन नंबर ए मान लें क्योंकि 1 2 3 तो ऊपर आ ही गई हमारे पास। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे कि ए इज इक्वल टू ए जो हमारा व्यू है वो कितना है 233 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 और माइनस 2 क्लियर। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि इससे आगे तुम कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि तुम लोग इजीली इसको कर सकते हो। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे अगर जीरो आ गया तो खत्म असंगत हो गया तो वहीं का वहीं खत्म और अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो संगत अद्वितीय हल और बेटा हल ज्ञात करना तुम्हारे से आता है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करनी है इनकी क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो तुम कहो तो मैं इसको पूरा भी कर सकता हूँ वैसे। चलो अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता दूँ तो हमने इसको डिटरमिनेंट में लिख लिया। अब डिटरमिनेंट हल करना तो किसी के सापेक्ष प्रसार कर दें तो हमने लिख दिया आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा जब प्रसार किया 2 तो 2 के सामने उसका उपसारण करते चले साथ साथ तो 2 पे आपने ऐसे खींचा माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद बेटा आप 3 लिखोगे यहाँ 3 का मतलब माइनस 3 क्योंकि चिन्ह अल्टरनेटिव चलते हैं। 3 पे आपने ऐसे खींचा उपसारणिक लिखने के लिए तो 1 1 3 माइनस 2 1 1 3 और माइनस 2। उसके बाद बेटा आपने एक और 3 था जो लास्ट वाला ये लिखा फिर आपने ऐसे खींचा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और 3 माइनस 1 ठीक होगी बात यहाँ तक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और इनके आपस से मल्टीप्लाई करी माइनस 2 की करी 4 एक माइनस अपनी तरफ से लगाया और यहाँ आ गया आपके पास माइनस 1 1 की करी माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस के हो गया 1 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई करी माइनस 2 और माइनस 3 प्लस 3 1 की मल्टीप्लाई करी माइनस 1 3 दूनी 6 माइनस के तो एक माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस 6 हो गया तो ये आ गया आपके बेटा। देख लेना कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करके कई बार गलती भी हो जाती है ऐसा कुछ नहीं। 4 और 1 5 तो 5 दूनी 10 माइनस 3 3 और 2 माइनस 5 हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 5 दिया 15 और यहाँ 6 और 1 5 5 दिया 15 और 15 और 15 30 और 10 40 मेरा तो भाई 40 आया बाकी तुम देख लेना। तो यहाँ आप क्या देख रहे डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 अतः ए कैसा है व्युत्क्रमणीय है। बेटा ए अगर व्युत्क्रमणीय है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ए अगर व्युत्क्रमणीय है तो आप क्या लिखेंगे जो आपका समीकरण निकाय है कैसा है संगत है तो संगत है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लिख भी दो आप लिखना चाहो अगर तुम्हारी थ्योरी याद है तो कैसे होंगे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे बेटा ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा तभी तो ए इनवर्स भी होगा तो ए इनवर्स के लिए फिर से वही पूरी कहानी करनी पड़ेगी क्या करें। तो ए इनवर्स के लिए आप लोग क्या करते थे सबसे पहले निकालते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इसको कहीं से लिखते थे सी से मैं केवल तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो सी पे आप क्या लिखते थे जो आपकी ए वन वन की पोजिशन थी वहां उसका कोफैक्टर और यहाँ ए वन टू यहाँ ए वन थ्री याद आ रहा कुछ कुछ ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। उसके बाद बेटा आप क्या निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए और जो कि क्या होता था सी का डैश इसको बदल दो आप कितना ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री क्लियर होगी बात। उसके बाद ए इनवर्स निकालते थे तो ए इनवर्स क्या होता था वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए बेटा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 40 और एडजॉइंट ए ये लिख दिया तुमने यहाँ से
जो भी है 1/45 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इनवर्स आ गया इनवर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई, ताकि तुम्हारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ सके। तो बेटा कैलकुलेशन से घबराओ मत, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, थोड़ा एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम लोग इन्हें अच्छे से सीख सको। तो आज के लिए इतना ही काम करेंगे बस हम, इतना काम मतलब होमवर्क जो रहेगा हमारा बेटा 15 तक के क्वेश्चन करने, 4, 5, 6 के क्वेश्चन 2 to 15 और उदाहरण 27, 28, 29। तो आज के लिए इतना ही काम करो बेटा तुम लोग।